कोविड पर रोकथाम के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 162 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट को दी मंजूरी, साथ ही 20 और प्लांट्स को रेमडेसिविर दवाई के उत्पादन की इजाजत। लखनऊ में सड़क हादसे में बाल बाल बचे पुलिसकर्मी, बस गड्ढे में पलटने से हादसा हुआ, चुनाव ड्यूटी में जा रही थी सभी। यूपी में रेमडेसिविर इंजेक्शन के 3 जमाखोरों पर योगी सरकार लगाएगी रासुका, कानपुर एसटीएफ ने इंजेक्शन के साथ गुरुवार को पकड़े थे 3 आरोपी। कोविड केसों को देखते हुए स्थगित की गई जेईई मेंस की परीक्षा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा परीक्षा से 15 दिन पहले बताई जाएगी नई तारीख। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी, पिछले 24 घंटे में 2,61,000 से ज्यादा नए केस, 1,501 लोगों की गई जान, अब तक 12,26,00,000 से ज्यादा लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के अफसरों को सीएम योगी की चेतावनी, अधिकारियों ने कार्य प्रणाली नहीं सुधारी तो फिर होगी कार्रवाई, मरीजों की समस्याओं के समाधान के निर्देश। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 25 अप्रैल तक के लिए बंद किया गया मथुरा का द्वारकाधीश मंदिर, मंदिर प्रशासन ने भक्तों से की घर में रहने और मास्क पहनने की अपील। एक्सरे और सिटी स्कैन से पकड़ में आने वाले कोरोना मरीजों का भी कोविड अस्पताल में होगा इलाज, मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद के निर्देश। हरिद्वार कुंभ में दिल्ली आने पर 14 दिन का होम क्वारंटीन जरूरी, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट का फैसला। कोरोना संक्रमण के चलते उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं की गई रद्द, 12वीं की परीक्षाएं फिलहाल के लिए स्थगित, 1 जून के बाद होगा नया शेड्यूल घोषित। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए रवाना हो रही हैं पोलिंग पार्टियां, कल प्रदेश के 20 जिलों में डाले जाएंगे वोट। महराजगंज में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए पोलिंग पार्टियां हुई रवाना, शांतिपूर्वक मतदान के लिए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर। अमरोहा के मंडी समिति परिसर में पंचायत चुनाव के लिए रवाना होती पोलिंग पार्टियों ने उड़ाई कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखी। मुजफ्फरनगर में पंचायत चुनाव की ड्यूटी में लगे मतदान कर्मियों ने कोविड गाइडलाइन का किया उल्लंघन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में प्रशासन नाकाम। बलरामपुर में कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन के मामले में पूर्व ब्लॉक प्रमुख को गिरफ्तार किया गया, 50 अन्य के खिलाफ केस दर्ज। नोएडा में पुलिस ने प्रेम प्रसंग में युवती के पिता पर गोली चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया, आरोपी से एक बाइक बरामद। गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 49 पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले युवक को गिरफ्तार किया, 2 फर्जी नियुक्ति पत्र बरामद। लखनऊ में 1090 चौराहे पर फव्वारा पार्क में लगी आग, आग लगने का कारण का खुलासा नहीं। सिद्धार्थनगर में पुलिस ने एक सराफा व्यापारी से हुए लूट का खुलासा कर दिया, मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों से अवैध हथियार बरामद। चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा, कार सवार 5 लोगों की मौत, खाई में कार के गिरने से हुआ हादसा। औरैया के बेला थाना सहार में कई घरों में आग लगने से हड़कंप, मौके पर नहीं पहुंची दमकल की गाड़ियां, खुद आग बुझाने में जुटे ग्रामीण। चित्रकूट के रैपुरा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक और ओमनी वैन की भिड़ंत, चालक समेत 4 की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल, सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। ललितपुर में संचालित एक बर्फ फैक्ट्री में देर रात अचानक गैस का रिसाव हुआ, आसपास रहने वाले लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ शुरू हुई। वाराणसी के भिलूपुर थाना क्षेत्र के दवा खरीदने के विवाद में व्यापारी कुमारी गोली, आरोपी हुए फरार। महाराजगंज में नौतनवा एसडीएम और सीओ पुलिस ने होटलों और ढाबे में मारा छापा, नेपाली के साथ एक युवक गिरफ्तार। सहारनपुर में ट्रांसपोर्ट नगर थाना जनकपुरी में एक मकान में चल रहा देह व्यापार, पुलिस ने छापा मारकर एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मिर्जापुर में कोरोना से सुरक्षा और लोगों को जागरूक करने के लिए डीएम और एसपी ने किया मार्च, लापरवाही बरतने वालों को जुर्माना दिया गया। मुरादाबाद में पिछले कई दिनों से चल रही तेज हवाओं और आंधी से आम की खेती करने वाले किसान परेशान हैं। बागेश्वर के जिला अस्पताल में
कोविड मरीजों के खाने में लापरवाही का मामला सामने आया। मरीज की शिकायत पर मामले का खुलासा हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिलाया भरोसा, कहा देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं।